नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजेश्वर महाविद्यालय में आज विद्यार्थियों का सम्मान समारोह स्थापित किया गया। आज सम्मान समारोह इसलिए रखा गया कि हमारे होनहार विद्यार्थी जिन्होंने गोल्ड, काश और सेकंड विजेता कबड्डी में रही टीम को सम्मानित करने के लिए रखा गया। सबसे पहले मैं कुश्ती की बात करता हूँ, नवीन चौहान जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है राजेश्वर महाविद्यालय के लिए 60 kg में। इससे पहले वो नेशनल गोल्ड भी जीत चुके हैं। इसके बाद विक्रम गुर्जर एयर राइफल 10 मीटर में उन्होंने गोल्ड जीता है। इसी क्रम में 10 मीटर में ही हमारे को काश मिला है। कबड्डी में सेकंड विजेता रही है राजेश्वर महाविद्यालय की टीम। इन सभी प्यारे विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आज सम्मान समारोह रखा गया ताकि इन सभी विद्यार्थियों को सम्मान कर सके और जितने भी बचे विद्यार्थी उनको प्रेरित कर सके कि वो भी आगे आए, बढ़े, राजेश्वर महाविद्यालय का, अपने माँ बाप का और देश का, राष्ट्र का नाम रोशन करें और स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि स्पोर्ट्स जब तक बच्चे विद्यार्थी नहीं खेलेंगे तब तक उनका जो जीवन शैली है वो विकसित नहीं हो पाएगी। शारीरिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए फिजिकल वर्क बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो आज इसी बच्चों को प्रेरित करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए ये सम्मान समारोह रखा गया। मैं छुट्टियों के अंदर 10 मीटर एयर राइफल से अजमेर प्रैक्टिस करता था। सर, मेरी मुलाकात सुशील सर से हुई। मैं कॉलेज फर्स्ट में आया तो इन्होंने बोला हमारे कॉलेज का नाम करने के लिए हम सब कुछ आपके लिए करने के लिए तत्पर हैं। तो मेरी इस फैमिली में इतनी हिम्मत नहीं थी जो खर्चा उठा सके। सुशील सर ने सारी बात बताई, इसमें जो भी खर्चा होगा हम खुद देंगे, आप आगे बढ़िए, हमारे कॉलेज का नाम करें। जो मैंने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी टॉफ फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत के लाया सर, उसमें आल यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट किया गया। जो अमृतसर 11 नवंबर को गेम होगा सर, पंजाब के अंदर प्रैक्टिस करता था। जोर से बोलो थोड़ा सा। सर, पहले मैं जज्जर अखाड़े में प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैंने 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर में राजेश्वर महाविद्यालय में एडमिशन लिया। उसके मेरे को पूरा सपोर्ट मिला कॉलेज से और मैंने पिछली बार भी कॉलेज के लिए नेशनल पे गोल्ड जीता था और अगली बार भी नेशनल पे गोल्ड मेडल जीता था। तो ये थी आज की कुछ खास हलचल। देखते रहें राज 24। नमस्कार।